सर ये कहें कि अब ये जो जो रिपोर्ट आई है उससे लालू यादव बड़े प्रसन्न न होंगे, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो यादव समुदाय से आता है और यादव की संख्या खूब है, अच्छी खासी है, तो उनके लिए बड़ी फायदे की बात है, ऐसा कह सकते हैं क्या? अब एक तरीके से देखें तो लालू यादव, तेजस्वी यादव ये प्रचारित करने में कामयाब होंगे, प्रचार करेंगे और इसका फायदा उनके वोटरों को, उनके समाज को मिलेगा। प्रचार ये करेंगे कि आप बिहार में सबसे अधिक हैं, आपकी आबादी बाकी तमाम जातियों की तुलना में सबसे अधिक है, तो इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। और इससे होगा कि अगर चुनावी दृष्टिकोण से इसको देखें तो चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, मैसेज देंगे और जो पॉलिसी बनेंगी, अब कहेंगे कि भाई जो टिकट का बंटवारा हो इसी के हिसाब से हो, जो चुनाव में जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हो वो इस हिसाब से हो, लोकसभा में टिकट का बंटवारा हो वो इस हिसाब से हो, क्योंकि सबसे अधिक मेजर चंक जो है उनके पास है। लालू यादव ने आज एक बयान भी दिया कि जिसकी जितनी भागीदार हिस्सेदारी है उसकी उतनी, मतलब हिस्सेदारी जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको इसी हिसाब से देख लीजिए ना कि अब जो कि क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट जो है कास्ट जो है बिहार में यादव, यादव के अलावा कोई उसके आसपास नहीं है इस वक्त, बाकी जो है उस समूह की बात हो रही है, बात समझ रहे हैं? हाँ। आप SC समूह हो गया या फिर अति पिछड़ा में जो क्लब 36% के आसपास का है तो उसमें बहुत सारी सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन जो सिंगल जाति है यादव, उसमें यादव डोमिनेंट हो गया, तो इसका फायदा उनको मिलेगा, राजनीतिक रूप से मिलेगा। और इसका नुकसान कमोबेश हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा नीतीश कुमार को होगा। अच्छा, 24 और 25 में जो चुनाव होने, 24 में लोकसभा 25 में विधानसभा जो बिहार में चुनाव होने हैं, तो क्या कहा जाए, क्या समझा जाए कि अब ये जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती हैं क्या? यादवों को लुभाने की कोशिश भाजपा भी करेगी क्या, या नीतीश कुमार अपने जो कोर वोट बैंक, जो कुर्मी, जो उनके वोटर्स हैं उनको उनके साथ साथ वो यादवों को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे क्या? अब इसके लिए इसके मूल में आइए, अब आखिर जाति गणना की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर जाति गणना की जरूरत बिहार को क्यों पड़ी, आखिर जाति गणना बिहार में क्यों कराई गई, इसको समझिए। इसको समझने का एक बड़ा कारण है, कारण ये है कि पिछले दो लोकसभा चुनाव से देखेंगे तो 2014-2019 के चुनाव में एक बड़ा OBC वोट बैंक जो था वो शिफ्ट हुआ है। पहले क्या था, पहले UP में, बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी OBC का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रीय पार्टियों को मिलता था OBC वोट बैंक, लेकिन 14 में मिथक टूट गया, 19 में और टूटा। 14-19 में क्या हुआ कि जो OBC वोट बैंक का बड़ा चंक था वो BJP को शिफ्ट कर गया। इसलिए आप कभी भी देखेंगे जब BJP नेताओं से OBC को लेकर सवाल होता है तो BJP के नेता मंत्री जो भी हैं वो तमाम ये बात को आगे कर देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी खुद OBC हैं, खुद पिछड़ी जाति के हैं। तो आप समझिए जो OBC देश में या फिर बिहार में या फिर UP में बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा इनका बेस है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इस वोट बैंक को पाने के लिए, इस वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, इस वोट को अपने साथ लाने के लिए बिहार में जाति गणना का दांव चला गया। और अभी आप देखिएगा, कुछ दिन पहले देखा होगा आपने महिला आरक्षण का जब मामला आया तो तमाम दलों ने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि OBC आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण में OBC आरक्षण होना चाहिए। आखिर समस्या ये है इन लोगों के सामने, इन लोगों के पास, कि जो इनका OBC जो कोर वोटर हुआ करता था वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया BJP की तरफ, तो इसको तोड़ना है। इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, अपने साथ लाएंगे नहीं BJP से शिफ्ट करके अपने खाते में, तब तक इनको राजनीतिक रूप से 24-25 में फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इस पर तमाम विपक्षी दल आगे बढ़ रहे हैं और इसका फायदा आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन या नीतीश कुमार, लालू यादव लेने की कोशिश करेंगे। तो 24 और 25 के चुनाव से पहले जो जातीय जनगणना आधारित रिपोर्ट आई है, अब ये बड़ी खास है, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है और इसके क्या किसको फ़ायदा मिलेगा, क्या इसके पीछे मैसेज क्या जा रहा है, सब कुछ बड़े विस्तार से इस वीडियो में हमने जाना। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, इसके बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।